छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत राजे माघी पुण्य मेला में संत समागम कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने आयोजित राजे माघी पुण्य मेला में शामिल होकर मुख्य मंच से संत समागम का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष ने इससे पहले राजीव लोचन मंदिर कलेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। करीब दो घंटे के अपने राजिम प्रवास के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने महानदी आरती में भी भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने मुख्य मंच से राजीव लोचन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर संत समागम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश के सर्वधर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राम सुंदर दास महंत सहित संत समाज के लोग भी उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को राजे माघी पुण्य मेला की बधाई देते हुए प्रदेशवासियों के सुख शांति की कामना की। राजिम पुण्य मेला और राजिम धाम इतनी पुण्य भूमि है कि इसके बारे में मेरे जैसे आदमी कहने का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग यहाँ के पुण्य पुण्य कमाते हैं, कृतार्थ होते हैं। हमारे पुरखों का जो धन लगा हुआ है, धन मतलब ज्ञान धन, बुद्धि धन, कृपा धन, दया धन, उसको हम लोग यहाँ लेने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ से हम लोग कृतकृत होकर जाते हैं। तो मैं प्रणाम करता हूँ इस धरती को, राजीव माता को, कुलेश्वर भगवान को, राजीव लोचन भगवान को। इन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जो एक आयाम दिया है, जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो यहाँ से बहती है, वो कृपा सिर्फ यहाँ लोगों में जो आस्था है, जो विश्वास है, उसके ही बल पर हम सब लोग यहाँ टिके हुए हैं। मैं भगवान को प्रणाम करते हुए यहाँ से आशीर्वाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।